आज एसएम्स किचन में होली स्पेशल भबरा की रेसिपी बनाएंगे और ये बिहार का फेमस है। होली के टाइम ये बनता ही है हर घर में, लगभग ऑलमोस्ट सभी घर में बनता है। तो इसके लिए ये कच्चा चना जो होता है ना वो हम छील लिए थे, उसके बाद थोड़ा सा हरी मिर्च डाले थे और एक छोटा प्याज को चॉप करके हम डाले थे। और ये वाला चावल का पेस्ट है, थोड़ा सा पानी से हमने पेस्ट किया है। 3-4 चम्मच चावल है, उसको 1 घंटा भिगो के रखे थे, उसके बाद हमने पेस्ट कर दिए हैं। उसके बाद इसमें नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार और सबको एक साथ पहले मिक्स कर लेंगे। पहले हम सब कुछ एक साथ मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम बेसन डालेंगे। यहाँ पे एक चीज़ है, आप बेसन भी डाल सकते हो या फिर चने का दाल जो है ना वो भिगो के पेस्ट करके, मतलब चावल के साथ पेस्ट करके वो भी डाल सकते हो। जो कि चने का दाल हमने यूज़ नहीं किया है तो हम बेसन भी बेसन इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो अब बेसन के साथ हम थोड़ा थोड़ा करके पानी मिक्स करके इसका एक बैटर बना लेंगे। और बैटर ज़्यादा थिक भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होगा, कम से कम 4-5 चम्मच हमने बेसन इसमें डाला है। और अब हम इसको मिक्स करते रहेंगे। अभी इसमें और 1 चम्मच बेसन चाहिए, टोटल हमने 5 चम्मच इसमें बेसन दिया है। अब सब कुछ एक साथ फिर से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके हम 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने देंगे। और इसमें आप थोड़ा सा हल्दी, लाल मिर्च पाउडर या फिर जो भी मसाले हैं वो भी इसमें डाल सकते हो, वो भी बहुत अच्छा लगता है। हमने एकदम प्लेन बनाया है इसको। तो देखिए 10 मिनट बाद ये अच्छे से मिक्स हो गया है, कंसिस्टेंसी इसी तरह से होगी। और यहाँ पे सरसों का तेल हमने डाल के रखा है, ये रिफाइंड ऑयल में भी होगा, सरसों के तेल में भी ये बन सकता है। तवे को अच्छे से गरम करके उस पर तेल डालेंगे और तेल के गरम होने के बाद हम 1-1 चम्मच इस तरह से हम तवे पे फैला देंगे। देखिए थोड़ा पतला बनाइएगा क्योंकि ये जितना फैलेगा ना उतना कड़क होगा, कुरकुरा टाइप का ये होता है, तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है। और अभी हम 1 चम्मच तेल साइड से हम डाल देंगे इसमें और एक साइड होने के बाद हम इसको पलट देंगे। 2-3 मिनट में एक साइड बहुत अच्छे से फ्राई हो जाता है। और गैस के फ्लेम को लो रखिएगा, पहले तो बहुत ही अच्छे से तवे को गर्म कर दीजिएगा जब आप इसमें तवे में ये डालोगे, उसके बाद एकदम लो फ्लेम में इसको पकाना है, हमें फ्राई करना है। इसको आप कढ़ाई पे भी फ्राई कर सकते हो, जैसे हम पकोड़े वकोड़े तलते हैं ना, डीप फ्राई आप उसी तरह से कर सकते हो। इसमें तवे में थोड़ा सा कम तेल लगता है, कढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा तेल लगेगा ही। तो देखिए दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो गया है, अब हम इसको निकाल लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, रेसिपी अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा।